कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे थोड़ी सी हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। पहले आप देख चुके हैं कि कई बार हमने इंडिया भी डिस्कस किया और चीज़ें भी, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज जैसा कि नैब ने जो है शहबाज शरीफ साहब को अदालत से बुलाया था, वो आए हैं, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि वो 17 तारीख तक जो है उनको गिरफ्तार ना किया जाए, 17 जून तक का टाइम उनको दिया गया है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि नैब आखिर पहले से ऐलानात हो रहे थे और शेख रशीद और कई दूसरे पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे थे कि ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी, तो आखिर ये सब ड्रामा कब तक चलता रहेगा? वैसे तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं बाहर जो पैसे चले गए हैं वो लेकर आऊँगा, तो वो अभी तक कुछ भी नहीं ला पाए हैं और साथ ही उनकी अपनी पार्टी के भी कई करप्शन केसेस सामने आ रहे हैं। तो क्या नैब ने सिर्फ अपोजिशन को ही निशाना बनाया है या ये कि ये अब जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसके ऊपर भी कोई बात होगी, उसके ऊपर भी कुछ लोगों को नाम लिया जाएगा? सबसे पहले मेहमानों का तारुफ जी, हमें ज्वाइन किया है आरिफ चौधरी साहब ने, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हमें जी ज्वाइन किया है फराह खान ने, फराह का ताल्लुक PMLN से है, और हमीद पुरी साहब जो के PTI के मेंबर है। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग तशरीफ लाए। सबसे पहले आरिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप किस तरह से देखते हैं इस केस को? बहुत शुक्रिया आरजू। असल में होना ये चाहिए था कि ये जो केसेस हैं उन दिनों में गिरफ्तारी वाला मामला जो था इसे रोकना चाहिए था, क्योंकि उनका ये कहना बड़ा मुनासिब है कि उनकी उम्र जो है वो 69 इयर्स है और कोरोना की वबा जो है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो इस लिहाज से जो गिरफ्तारी वाली बात है वो कुछ ज्यादा मुनासिब नजर नहीं आती। और जहां तक नैब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े केसेस जिनका कोई सबूत और कोई जवाब इनके पास नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब के पास, उन केसेस को इस अंदाज में मिस हैंडल किया जा रहा है कि उसमें असल केस जो है वो एक जगह रह जाता है और उसकी हाइप जो है वो ज्यादा क्रिएट हो जाती है। अब इन्हें मालूम भी था नैब को कि इससे पहले उन्होंने अप्रोच किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट को बेल बिफोर अरेस्ट के लिए शहबाज शरीफ साहब ने, तो इन दिनों में फिर छापा मारने की क्या जरूरत थी, और इन्हें मालूम है कि अदालतों से उनकी बेलें वगैरह हो जाती हैं, तो केसेस को केस के तौर पर लड़े। और उसका बुनियादी जो तरीकेकार है वो ये है कि रेफरेंसेस दायर करके अदालत, जब आपके पास सबूत आ जाए तो वो रेफरेंसेस अदालत में चलाए और उसके बाद उन्हें सजाएं दिलवाए और रिकवरीज करें। मुझे यूं लगता है कि ये सारी की सारी बात अब तक एक वहमा बन रही है, एक मिसकंसेप्शन सा हो रहा है, और लोगों को जो मायूसी है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो पार्टी जो महज ये नाम लेकर ये नारा लगाकर आई थी कि जी हमने तो एहतसाब करना है, वो अभी तक बावजूद इसमें हम कुछ भी कह सकते हैं अदालतों में उनकी बेलें हो रही है या प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर रही केसेस, नैब जो है उन्हें परसू नहीं उस अदालत में कर रही जिस अदालत में करना चाहिए, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जो एक चीज सामने नजर आती है वो ये है कि हमें कहीं भी एहतसाब प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट अंदाज में होता हुआ नजर नहीं आता। आप यानी देखेंगे कि इन्होंने अपने लोगों के बारे में जो रिपोर्ट शाया की जिसमें इनके लोगों का भी नाम आता है, ये जो शुगर वाली रिपोर्ट है इसमें भी आप ये देखें कि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई। पहले कहा गया कि जनाब हमने देखे जी बहुत बड़ा काम कर दिया है कि पब्लिक कर दिए इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी, उसके बाद फिर ये कि फोरेंसिक हो जाए, फिर फोरेंसिक होने के बाद अब बाकायदा ये कहा गया कि जनाब नहीं ये फोरेंसिक जो है ये तो सब बिलों का 85 से होना चाहिए, और उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि 85 तक पहुंचते पहुंचते क्या कियामत गुजरे है कतरे को गौर होने तक, उस वक्त तक तो ये हकूमत भी नहीं होगी और उस वक्त तक तो ये चीजें भी सारी पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी होगी, और वही होगा जो बाजी में होता आया है कि एहतसाब के नाम पर बेइंतहा पैसा जो है वो प्रोसिक्यूटर्स को दिया गया, वकला को दिया गया, जो पसंदीदा वकला थे नवाज शरीफ साहब के अपने वकला को बहुत ज्यादा पैसे दिए गए, लेकिन वो केस जो थी वो कहीं अंजाम पजीर नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि हकूमत को इस मामले में थोड़ा सा गौर करना होगा कि महज ऐसी सूरत हाल में जब लोग इन पे एतराज करने लगे और ये समझे कि जी हमारी कुछ शोहरत जो है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है, उन दिनों में इस तरह की सिचुएशन पैदा करना, और खास तौर पर वो जरा जब वक्त से पहले ये कह देते हैं कि जी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, इससे उस सारे अमल की क्रेडिबिलिटी
और शफाफियत जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, पर आप क्या कहेंगे, आपने बात सुनी आरिफ साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया अर्जुन साहिबा। उससे पहले जिन मौजे साहब ने बात की, मैं उनकी काफी बातों से एग्री करती हूँ कि आप आजकल के हालात देखें कि जिसने बिल्कुल दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है, दुनिया की रूटीन बदल के रखी है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान भी उसी वबा में मुबतला है। बजाय इसके कि आप कोरोना जैसे वायरस से पाकिस्तान को निकालें, आपको इस वक्त भी ऑपोजिशन नजर आ रही है, आपको इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून नजर आ रहा है। अर्जू मुझे एक बात बताएं, अगर तो ये पहली दफा हो रहा होता तो बड़े अचंभे की बात होती, हर तरफ एक्साइटमेंट होती। यानी दो दफा पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अदालत खुद पूछती है नैब के वकील से कि बताएं कि केस किस स्टेज पे है, वो कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन में है। अमूमन ये होता है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद रेफरेंस दायर होता है आपके पास। जब वो दो दफा रहे और वो आते भी रहे, अभी फिफ्थ मई की बात है, तो आप उनसे किस किस्म के सवाल करते हैं, और कि आप अपने बेटे की गाड़ी में आए हैं। जब आपको दरख्वास्त देते हैं कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप सबको मालूम है कि वो कैंसर सर्वाइवर है, 69 उनकी है, वो हाई रिस्क ग्रुप में है, और जब आप उन्हें बुलाते हैं या इस, और दूसरे ये देखिए लाहौर ये मॉडल टाउन पूरे इलाके को किस तरह खौफ हरास में इन्होंने जो है घेरे रखा, जो वहां के मुकामी लोग थे वो अपने घरों को नहीं जा रहे थे। तो ये सारे लोग जब जमा होते हैं फिर आपको गरीब नजर नहीं आ रहा, फिर आपको वबा नजर नहीं आ रही, फिर उनकी फिक्र नजर नहीं आ रही है। तो ये किस किस्म का एहतसाब है, ये सियासी इंतजाम है, ये सियासी जबर है, जुल्म है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। दो दफा आपने अरेस्ट किया, आपको कुछ भी ना मिला, कुछ तो पेश कीजिए, कुछ तो अपनी पेशरफ्त या अपनी फुर्ती दिखाइए, आपको कुछ भी नहीं मिला। तो फिर अभी जैसे बात की गई है कि फिर अरेस्ट वारंट उनके 28 मई को है और आप उनको जो है गिरफ्तार करने 2 जून को चले गए हैं, कोई दुख समझ नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में रात को ये हुकूमत कोई नींद की दवा ले लेती है और फिर सुबह नैब को बुला के उल्टे सीधे अहकाम देकर उनको अपोजिशन पे दबाव डलवाती है। खुदारा खौफ करें, अभी बजट आने वाला है, तमाम सियासी जमातों का पार्लियामेंट में होना बहुत जरूरी है, वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करें, तमाम अपना पूरा हिस्सा डालें। ऐसे में आपको अपोजिशन लीडर याद आते हैं, ये सब कुछ नहीं, आपकी प्रायोरिटी कोरोना वायरस होना चाहिए। आपसे मशक डूब रही है, माइनस में चला गया है पाकिस्तान, ये किया क्या आपने पाकिस्तान के साथ, आपकी बहुत काम है, आपकी बहुत गम है करने को, जो चीज साबित नहीं हो रही है इमरान खान, आप खुदारा उसको जबरदस्ती साबित करने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल ठीक, ये पोटी साहब क्या घबराहट है, जैसे फरा भी कह रही है कि किस किस्म का रवैया है गवर्नमेंट का, क्यों इनके वुजरा जो है पहले से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जी इसके बाद ये होने वाला है वो होने वाला है, पता कैसे लगता है आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आरजू बहुत शुक्रिया। जो बरतानवी वजीर आजम था ड्यूरिंग द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चर्चिल, उसकी एक कोटेशन है कि जब जनरल ने कहा जी कि इंग्लैंड को बहुत बड़ी मार पड़ रही है जर्मनी की तरफ से, तो उसने एक कोटेशन पूछी जी कि उसने पूछा जी कि हमारे कोर्ट्स क्या इंसाफ मुहैया कर रहे हैं या कि नहीं, तो कहा गया जी वो तो इंसाफ मुहैया कर रहे हैं। तो चर्चिल ने कहा जी कि बरतानिया किसी सूरत ये जंग हारेगा नहीं, वो आपको पता है 4 सालों तक वो जंग तवील थी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त एमएक है दुनिया में बहुत ज़्यादा ये फैली हुई है, पाकिस्तान में बहुत बेहतर सिचुएशन है। मगर आरजू मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप देखें कि जिस वक्त एक शख्स जिसने 6 बार हुकूमत की हो पंजाब पे और पिछले 10 साल मुसलसल चीफ मिनिस्टर रहा हो, और उसके मुलाजमों पर्सनल मुलाजमों के अकाउंट में जो 18 या 20 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे थे, 40-50 करोड़ और अरबों हा की ट्रांजेक्शन हो, और उन वो मुसलसल वो जो मुलाजम है उनकी वही हैसियत है, एक होता है ना कि चलो ठीक है, जब नैब उनसे सवाल पूछ रही है कि हमें ये बताएं जी कि ये पैसे कैसे उनके अकाउंट में हुए, ये आपके मुलाजम थे, या ये पैसे बाहर कैसे गए रहे, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, तो वो कहते हैं जी कि मैं कोरोना की वजह से नहीं पेश हो सकता, मैं ये आपके मुझे क्यों पूछ रहे हैं, जो मेरे बच्चियों का जो मेरे बेटों की बिजनेसिस थी उनका तो वही जवाब दें। जब एक बंदा चीफ मिनिस्टर रहा और उसके बेटे
अरबों हा डॉलर्स यहाँ से बाहर ले जाएं, बाहर ले जाएं, और उसके बावजूद वो नैब को कोई भी जवाब देने से कासर हो तो नैब क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी? बहसीत एक पॉलिटिशियन, बहसीत एक पाकिस्तानी होने के नाते हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। जहाँ पे जिस पे भी कोई सवाल उठे कि ये पैसा आपके पास 10 साल पहले नहीं था, उसके बाद जब आपके पास आया है तो उसके ज़राए क्या है, वो उस चाहे वो एक शहरी हो, चाहे जब वो पॉलिटिशियन हो जाता है या चीफ मिनिस्टर हो जाता है, उस पर ज़्यादा लाजम हो जाता है कि वो ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से वो उस चीज़ का जवाब दे। आपके सामने मीडिया पे के जवाब आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके बेटे जो बहुत से एविडेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल उनका जो दामाद था वो एक बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो कई यहाँ करोड़ रुपए उसने उसका उसमें से रेंट ले लिया। आपके ये पूरी कौम के सामने जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, या तो ये इनकार कर दें जी कि वाकई बिल्कुल ही ये हमारी औलाद नहीं थी और वो जो पैसे उनके वो लूट कर ले गए हुए लिजिटिमेटली वही हकदार हैं और सिस्टम जैसे मर्जी उनको ले आए। और जब हमारे हुक्मरान इस चीज़ का बादर ही नहीं करें जी कि हमने जो लूट खसूट की हुई है वो हमसे पूछने वाला ही कोई ना हो, तो मेरे ख्याल में हमें अपना रवैया, अपना वे ऑफ लाइफ बदलना पड़ेगा। जिस बंदे ने पाकिस्तान लूटा है उसको उसका हर हाल में पैसा वापस उसको करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब का या पीटीआई का यही नारा था। और उसमें हर्डल क्या आ रहा है आपके सामने कि बड़े भाई हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो कोर्ट्स ने बुलाया और नैब और गवर्नमेंट गई और उन्होंने कहा जी कि ये बंदा तो कन्विक्ट हो चुका हुआ है, ये जेल काट रहा है। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे लिख कर दें कि इसके प्लेटलेट्स हैं जो गिर रहे हैं, ये बंदा ट्यूसडे तक जिंदा रहेगा। जहाँ पे हमारे कोर्ट्स इस हद तक चले जाएं कि ये ना चीज सही करें जी कि एक बंदा कन्विक्ट हो चुका है, वाकई उसने पाकिस्तान को लूटा है, और गारंटी मांगे हुकूमतों से कि हमें लिखे। वो नवाज शरीफ साहब जो गए थे वो हुकूमत पाकिस्तान ने भेजे थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत लेकर भेजा था 6 हफ्तों के लिए, और अभी तक किसी ने इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया कि मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, यहाँ पे इक़्तदार रहा है उनका, यहाँ से उन्होंने बहुत से पैसे लूटे हैं, उनको वापस आना चाहिए। और इस कौम के पैसे, वो मेरे और आपके, ये जो दोनों पैनलिस्ट हैं आप, इनके पैसे हैं, वो इस कौम के पैसे हैं। आप या तो ये कह देने जी कि वाकई ऐसे किसी ने लूट खसूट की ही नहीं है। सही नहीं, मुझे ये बताइए आरिफ साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपने पोटी साहब की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी लूट खसूट के पैसे हैं उनके नौकरों के नाम पे हैं, तो नैप जो है वो फैसल वाउडा को कब देखेगी जिनके नौकर के नाम पे करोड़ों रुपए निकले और किसी ने चूं भी नहीं की? फैसल वाउडा के अलावा जहांगीर तरीन पे नैप कब हाथ डालेगी जिन्होंने कहा कि अगर मुझे पूछा गया तो मैं इस हुकूमत को गिरा दूंगा? ये बात रिकॉर्ड पर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये वन साइडेड कब तक नैप काम करती रहेगी? क्यों जो है वो हुकूमत में बैठे हुए जो लोग जो अभी भी लूट रहे हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? आरजू, आपके सवाल के अंदर जवाब मौजूद है। बात यह है कि जहां तक लूटने का ताल्लुक है, प्लंडरिंग का ताल्लुक है और कौमी वसाइल को लूटने का ताल्लुक है और मुल्क से पैसा बाहर ले जाने का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले हुक्मरान जो रहे हैं उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। लेकिन उन्हीं हुक्मरानों के साथ बहुत सारे लोग जो थे, जाहिर अफराद थे, वो इनके साथ भी मौजूद है जिन्होंने इनके साथ आके गवर्नमेंट ज्वाइन की और इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अब होना तो ये चाहिए कि आप अक्रॉस द बोर्ड का लफ्ज जो है जिसे इस्तेमाल करते हैं इसको फिर वाकई अक्रॉस द बोर्ड लोगों को दिखा दीजिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी भी नजर आनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन से हटके मामला होते हुए नजर आने चाहिए। जब इन दिनों में मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो जितना बड़ा नुकसान एहतसाब को ये पहुंचा रहे हैं, ये मैं नहीं सब कहता कि बदरीजदी से अपनी लफ्ज हमाकत भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना समझी की वजह से या जो भी की वजह से, क्योंकि जब आप एक अपने शख्स को जो आपके साथ मौजूद है उसका एहतसाब नजर ना आए लोगों को, एक बात, और दूसरा यह है कि दूसरों के बारे में जब आपके अपने वज़रा वक्त से पहले गुफ्तगू कर दें
और फिर तीसरी बात कि खुद इदारा जो नैब के नाम से मौजूद है ना, जिसका काम यह है कि वो अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसपेरेंसी के साथ ये एहतसाब करे, जब उसके सरबराह की अपनी गुफ्तगू से मामला मशकूक हो जाए और वो इंटरव्यूज आ जाए कि जनाब हम अगर हुकूमत को पकड़ना शुरू कर इन लोगों का एहतसाब शुरू कर देंगे तो हुकूमत गिर जाएगी और ये हो जाएगा, और फिर कभी ये कह रहे क्या हवाओं का रुख बदल रहा है, और हवाओं का रुख बदलने की बात होते ही फौरी तौर पर आज आपने देखा कि इनके अपने जो मामलात थे वहां जल्जला आ गया और इन्होंने कोशिश की कि जरा फौरी तौर पर इस कानून को ही बदल दिया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान हो रहा है वो एहतसाब के इस निजाम का हो रहा है। पैसा पाकिस्तान का लूटा है, मेरा और आपका लूटा है, लेकिन हालात ये है कि इसे मिस हैंडल करके, यानी इस अंदाज में किया जा रहा है कि वो मुझे पैसे कहीं वापस आते हुए नजर नहीं आते, और यानी वो एहतसाब का वो निजाम भी नजर नहीं आता जो होना चाहिए। इन्हें चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये कि इतना अरसा हो गया है इस चीज जो हमारे एहतसाब वाले हैं नैब के चेयरमैन, उन्हें ये बार बार कहा जा रहा है कि जनाब आपके प्रोसिक्यूटर आपके इन्वेस्टिगेटर्स वो जिन जो वक्त से पहले मौजूद है उनकी हमदर्दियां किसके साथ है, वापसियां किसके साथ है, ये बात बहुत बड़े सवालिया निशानात है। सबसे पहले आप इसे दुरुस्त करें और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी शो करें और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस तरह हो कि लोगों को नजर आए और आपका प्रोसिक्यूटर इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ अदालत में जाए कि जब अगर अदालत उन्हें रिलीफ देती भी है तो लोगों को पता चल रहा हो तो ये देखे थी रियायत तो दी गई है लेकिन इनफैक्ट इतने सबूत मौजूद थे। जब आपका अपना प्रोसिक्यूटर वहां अदालत में प्रॉपरली डिफेंड अपने केस को पेश नहीं कर सकता और खबरें जब निकलती हैं और मजा का खेस किस्म के आर्गुमेंट्स आते हैं तो उससे जहां ये एहतसाब का निजाम मुतासर होता है वहां खुद एहतसाब करने वाले जो है उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा शक और शुबा की नजर से देखी जाती है। बिल्कुल आपने क्या सोचा है इसका, कि इसको कैसे लेके चलेंगे आगे? पहले तो मैं आपकी इजाजत से रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। देखें मियां साहब या शरीफ फैमिली ये आज से इक्तदार में नहीं है, ठीक है, या इनकी जायदादें आज से नहीं है। 1930s में बटाला ग्रुप और शरीफ ग्रुप ये पूरे एशियन रीजन में, जरा स्टडी करके देख लें, मेरे भाई को मिल जाएगा, आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वो खानदान है। 70s, 80s, 90s हमें टोटल मिला मुलू के कुछ 7-8-9 साल मिले हैं। अब आपको एतराज ये है कि इनके पास खानदानी जायदाद क्यों है, क्योंकि मुशर्रफ भी ट्रायल कर चुका, उसके हाथ कुछ नहीं लगा, तमाम जुल्म जबर हो गए, कुछ साबित नहीं हुआ। आप हजरत आए हैं, आप भी तबाजमाई कर ले, देखते हैं कि का आप इस कौम को कब तक मसरूफ रखते हैं, क्योंकि कोरोना ही के टाइम में हम सुन रहे हैं कि आपको 18वीं तरमीम याद आ जाती है, कोरोना ही के टाइम में हम सुन रहे हैं कि ऐसी नित नई इजादात आपकी तरफ से आ रही है कि कौम तो हैरान परेशान है, परफॉर्मेंस आपसे कोई नहीं हो रही है। मैं ये सोच रही थी कि जो आज अदालत ने मियां शहबाज शरीफ साहब को बेल दी है, इसके बाद तो पीटीआई मुंह खोलने के काबिल नहीं रही, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये फिर भी धड़ल्ले से बात कर लेते हैं। बहरहाल बात ऐसी है कि अगर आपने ये रवैया इसी तरह रखा तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप अवाम को उकसा रहे हैं बगावत पे। आरजू मैं आपको बहुत सीरियस कह रही हूँ, क्योंकि अवाम इस वक्त रोटी चाह रही है, अवाम रोजगार चाह रही है, वो देख रही है कि मेरा मुल्क डूब रहा है, उसके साथ जो वादे किए गए थे वो प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए, अवाम को इससे कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने लूटा है, कितने साल हो गए आपको आए हुए? 2 साल हो गए। मैं कह रही हूँ कि 2 दिन भी बहुत होते हैं, 2 साल में आप एक एक पाई भी साबित ना कर सके, आप कैसे हुक्मरान हैं? फिर नैब के साथ आपका ये गठजोड़, यानी जो दावे आप कर रहे हैं उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे पास तो ले दे के कुछ रहता ही नहीं है बात करने को कि एक ये अजाब की सी सूरत है कि 3 साल रह गए, अल्लाह इसको मुकम्मल करे, क्योंकि इस हुकूमत ने, अर्जु मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत सिवाय इसके और कोई परफॉर्मेंस दे नहीं पाई। अब वो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगेंगे उनका भी मुंह चूर कराया जाएगा, उनको भी पसंदान कराया जाएगा, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
इनके पास हुकूमत चलाने की सलाहियत ही नहीं है, इन लोगों को किस तरह लाया जाता है। मुझे आज एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक जॉब दी जाती है, मुझे दिन रात नींद ना आए कि मैं जवाब दे उस मालिक को, उस एम्प्लॉयर को। इनको पूरा पाकिस्तान थमा दिया गया है और ये मजाक पे मजाक किए बैठे हो रहे होते हैं। हम देखते हैं, आप बात करते हैं इंग्लैंड की और चर्चिल की मिसालें देते हैं। जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई तो वहां के जितने भी हुक्मरान थे, खलीफा थे, ये हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जो हुक्मरान वक्त का हुक्मरान होता था वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता था, अपनी काबीना को। ये नहीं करता था कि आज से 100 साल पहले ये हुआ था, आज से 30 साल पहले ये हुआ था। अगर आप इतने ही साफ हैं और आपको बाकी लोग चोर लगते हैं तो सबसे पहले अवाम को बताइए कि मैं साफ, आपने सबूत नहीं दिया साफ होने का। देखें एक कमीशन वाली रिपोर्ट, एक चोर निकल रहा है, एक इसमें तो कोई अपोजिशन नहीं। आप पिछली बातें क्यों कर रहे हैं? पिछली बातें बहुत सारे जो है उम्रा आए वो कर चुके। इमरान खान आप खुद से एहतसाब करें। इस पिशावर में BRT जिसे कहते हैं करप्शन का अजहा है उस पर तवज्जो दें। उसने अवाम का पैसा खा लिया है, आपने अवाम का पैसा खा लिया है। जाती कारोबार खुदाया, आप तो ताजिर बिरादरी को डरा रहे हैं। इसके बाद तो लोग पाकिस्तान में कारोबार नहीं करेंगे, यहाँ तो कारोबार करना अजाब हो गया है। किस किस्म की सोच रख रहे हैं आप? अपने लोगों को फैसिलिटेट करें, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। वंस यू आर गॉन थ्रू, आप साफ सुथरे निकल जाए, फिर आप बहक है कि देखिए हम साफ निकले। अब हमसे पहले जो हुक्मरानियां यहाँ हुई है, अब हम उनका करता जो भी है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो ये कौम आपको कराएगी, सलाम करेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। या किस तरफ जा रहे हैं साहब, जरा होश के नाखून लीजिए। बिल्कुल ठीक पुटी साहब, एक तो आपकी वीडियो बार बार जो है वो गायब हो रही थी बीच में, आपका डिस्प्ले जो था वो नहीं मुझे रिसीव हो रहा था। आप मुझे बताइए, आपने बात सुनी है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग अपनी पार्टी में तो एहतसाब हो रहा नहीं है, जितना भी एहतसाब हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट से बाहर ही हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब कह देते हैं कि जी मैं गवर्नमेंट गिरा दूंगा अगर मुझे पूछा गया। फैसल वाउडा साहब के डॉक्यूमेंट समेत मैंने खुद शो किया है और सारे डॉक्यूमेंट दिखाए जो उन्होंने अपने नौकर के नाम पे पैसे बाहर भेजे और यहाँ पे भी रखे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कहा कि हाँ जी अदालत में केस चल रहा है। अगर आप लोगों का अदालत में केस चल रहा है तो बाकी पार्टीज का भी इसी तरह से चल रहा होगा। आप लोग क्यों अपने आप को नहीं सही करते? और जैसे उन्होंने कहा BRT का क्या स्टेटस है, कितने सालों में, कितने सदियों में वो तैयार होगी? आरजू मैं सबसे पहले मोहतरमा को ये बताऊं कि इमरान खान वहाँ वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, जिनका पहले इत्साब हुआ, यही नून लीग उनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई थी, दो लीडरों की स्क्रूटनिंग हुई थी, एक नवाज शरीफ था, दूसरा इमरान खान था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि इमरान खान बिल्कुल क्लियर है, इस पर कोई एलिगेशन नहीं है, वेर सुप्रीम कोर्ट ही ने कन्विक्ट किया नवाज शरीफ को और वो जेल में चला गया और वो केसेस वहां से शुरू हुए। दूसरा ये मोहतरमा बात कर रही है कि लोग बाहर निकल आएंगे। मोहतरमा जब नवाज शरीफ स्टेप डाउन हुए थे और प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरे थे तो यहाँ से वो मरी चले गए थे, लास्ट दिन तक वो मरी इंतजार करते रहे जी के ये जो मेरी पार्टी है इसकी हुकूमत भी है, ये लोग अरेंज करेगी, मैं आऊंगा और यहाँ से लेकर लाहौर तक जल थल लोग बाहर निकल आएंगे और मेरे पे ये जो प्रेशर आ रहा है या मुझे क्यों निकाला गया है वो उसका तहफ़ मिलेगा, मगर लोग नहीं निकले। वही बेचारा मियाँ नवाज शरीफ जब इंग्लैंड से वापस आया अपनी बेटी के साथ तो यही पार्टी थी उनके भाई जिन पे ये एलिगेशन आई थी कि उन्होंने बंदूक वो बंदे नहीं निकाल सके। तो जहाँ तक अवाम का प्रेशर की आप बात कर रही हैं ना, ये बुलक पाकिस्तान के लोगों का है और पाकिस्तान के लोग इस वक्त क्लियरली इमरान खान साहब के साथ हैं। जहाँ तक तलक आप कह रहे हैं ये कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर एलिगेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नायल किया, वो इस वक्त अमलन सियासत में नहीं है, वो ना इलेक्टेड हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी होते हैं सर, हर पार्टी मीटिंग में क्या कर रहे होते हैं वो? मेरी गुजारिश सुने, इमरान खान ने किसी का
तारीख में पहली बार ये साबित हुआ है कि अगर कोई इंक्वायरी हुई है, कोई कमीशन बैठा था, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। आप देख लें मॉडल टाउन से लेकर, मोहतरमा कह रही है ना मॉडल टाउन में इस वक्त बंद है शाहबाज शरीफ, मॉडल टाउन के कत्ल किसने किए, दिन दहाड़े किए, क्या हुआ उनके का? खुद अपने ही लोग बिठाकर और अपने आप को बरी उल्जमा कर दिया गया। चीनी स्कैंडल में तारीख में सबसे पहली बार ये स्कैंडल सामने आया और उसके बाद इंक्वायरी हुई और वो इंक्वायरी लोगों के सामने रखी गई। आप जो कह रही है कि थोड़ा सा मौका दे दें, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे 90 जो शुगर मिल्स हैं, ये जो आईपीपीज हैं, ये किन लोगों ने बनाई और कौन लोग इनसे बेनिफिट ले रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं हो सकता जहांगीर तरीन साहब की भी आईपीपीज में भी हो, शुगर मिल्स भी हो, मगर उसके अलावा 85 शुगर मिल और हैं। इन सब लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए, जब से बने हैं, जितना इन लोगों ने कौम का पैसा लूटा है, चाहे वो कोई भी, वो वापस लोगों के खजाने में आना चाहिए, वो पैसा इस पाकिस्तान का है। और इमरान खान जब इंसाफ का कहता है तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को इसी इंसाफ की स्क्रूटनी से क्लियर करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और एक चीज में ये सेमिनार रहे, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान वो नहीं है जो न्यू लीग और पीपल्स पार्टी के जमाने में था, ये पाकिस्तान बदल चुका है और इंशाल्लाह हर रोज बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएगा। ना आरिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी, उससे पहले जरूर कहना चाहूंगी क्या बताइए जरा के जहांगीर तरीन साहब जो ना अहल हैं, वो हुकूमत की हर कॉन्फ्रेंस में हर पार्टी मीटिंग में क्या कर रहे होते हैं और किस हैसियत से बैठ सकते हैं? दूसरा, हर बार ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब जो है उनके हाथ बिल्कुल साफ है, उनके फैमिली में कुछ नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ये आप समझा सके कि आरिफ साहब के उनकी बहन के नाम जो अरबों खरबों के असासे निकले थे जिसमें कहा गया कि जी सिलाई मशीन के जरिए निकले, तो क्या ये पॉसिबल है? और जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं उनके हाथ कितने साफ हैं जो ये दावा पीटीआई इतने धड़ल्ले से कर रही है? आज ये तो अजीब सूरत हाल यहाँ पाकिस्तान में पैदा हो गई है। पहली बात तो ये है कि जिस शख्स के खिलाफ कोई करप्शन का केस अब बनता है वो कहता है जी कि सबसे पहले जी आप फलाह का एहतसाब करें। अब इससे ज्यादा जो इनका क्रेडिट इन्होंने लिया है पीटीआई ने, वो बड़ा क्रेडिट था कि जनाब पहली दफा ये हुआ है कि रिपोर्ट जो है वो करप्शन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। लेकिन उसके बाद इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने उसे फारिग किया है उस काम को कि मैं दाद देता हूं उन्हें। और ये बात वो थी जो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि जनाब आपने एहतसाब करना है, लोगों का पूछना है तो बहुत पीछे से शुरू करें। पीपल्स पार्टी भी कहती थी कि जनाब फौजियों का भी करें, जनरलों का भी करें, फला का भी करें। मतलब ये है कि जिसको आप पकड़ेंगे वो कहता है कि जी मैं जो मुझे लेगेसी मिली है करप्शन की, ये वो आज सीधी मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो विरासत में मुझे मिली है, मुझसे पहले हुक्मरान जो थे वो भी ये लूटते रहे हैं, उन्हें किसी ने पूछा नहीं है। जब तक आप हाथ ना डाले बड़ों पर और जो केस आप जिसको मिसाल बनाना होता है वो मिसाल ना बनाए, उस वक्त तक लोगों में एहतसाब का जो निजाम है वो जड़े नहीं पकड़ सकता। हमारे दोस्त जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें मैं ये अर्ज कर दूं, उनका बरतानिया से बहुत ताल्लुक है, अमेरिका के अंदर जब एक खातून जो थी लेडी हेम्सले उन्हें पकड़ा गया तो उस वक्त उसने कहा कि स्मॉल पीपल पे टैक्सेस, और वहां के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वी विल सेट एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, और फिर उसके बाद उस खातून की चीखें निकलती हुई दिखाई गई जब उसे सजाएं हुई। पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये सिस्टम ना अभी तक जड़ पकड़ सका है और ना ही इसे मुझे कोई इससे तवक्को नजर आ रही है। देखे मैं नून के बारे में ये कह दूं कि ना तो वो साफ शफाफ है, उनके करप्शन के मामलात भी इस हद तक है कि यानी क्या कहते हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जहां तक इनका मामला है पीटीआई वालों का, ये भाई देखे बात है कि आपको इतने साल हुकूमत में आए हुए हो गए हैं, आपका वो पिशावर का मंसूबा जो है वो मुंह चढ़ा रहा है, आप नहीं कुछ कर सके। जहां भी कोई मंसूबा शुरू होता है या तो आप कुछ करके दिखाते, और फिर यह है कि एक और बड़ी बात जो रहना जाए वो ये है कि आपने अभी तक अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगाया, जो गवर्नमेंट
अपना फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्टेड में से ना लगा सके और उसे बारो करना पड़े, और इसी वजह से नेशनल फाइनेंस कमीशन की सरबराही का मामला जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब इलेक्टेड आदमी नहीं है। आपके आपने तो सारा निजाम ही अपने पसंदीदा लोगों के जरिए, जनाब कहीं वो बुखारी साहब है, जुल्फी बुखारी साहब, कहीं कोई और है, कहीं कोई और है, यानी आप अपने आप को कम अज कम इस काबिल तो दिखाते हैं कि आपके पास पूरी एक टीम मौजूद है जो डिलीवर कर रही है। दूसरा जो है आपने रखा हुआ वो एहतसाब वाले साहब जो है वो ये सारी एविडेंस जो टीवी पे लाकर बताते हैं, ये एविडेंस एहतसाब को भेजे, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भेजे और उन लोगों को सजाएं दिलवाएं। हमें तो सारी की सारी आपकी कार्रवाई जो या कारकर्दगी नजर आती है वो हुई है, वो आदमी यहाँ बैठकर हमें हमें सुन रही है, ये काम टीवी पे आकर ये भी वही काम कर रहे हैं कि फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां ने लूटा है। भाई बात यह है कि चोर डाकू लूटने वाला उस वक्त तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक लॉ जो है वो ऊपर ना हो और इंसान जो है वो नीचे ना हो। अभी तक आप देखें, आपका कोरोना के मामले में आपने नोट किया होगा कि डिप्टी स्पीकर जो था पंजाब असेंबली का, वो आया और उसने कहा जी मैंने टेस्ट नहीं करवाना और मैंने कहीं नहीं जाना, उसमें आइसोलेशन में भी नहीं जाना, वो सीधा चला गया जहाज से उतरा। आज तक कभी उसे किसी ने पूछा है? इसी तरह बहुत सारे मामला में महज ये कह देना कि देखिए जी हमारा बड़ा कारनामा है, हमने रिपोर्ट आम पे ला दी, तो आपने रिपोर्ट मंजरे आम पर लाने के बाद ये क्या तमाशा कर दिया उसके साथ? क्या पॉसिबल है कि 85 से तमाम मिलों का जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए और थोड़े, यानी कि कितना अर्सा लगेगा? ये मामला जो था क्योंकि खुद इनके अपने लोग आ रहे थे उसमें, जब बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, इन्होंने बहुत अच्छा किसी ने मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि जनाब इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसका 85 से फॉरेंसिक करा लें। पाकिस्तान में फॉरेंसिक एक मिल का साल डेढ़ साल में भी हो जाए तो बड़ी बात होती है, कितनी ही मिले हैं। तो मामला यह है कि आप महज इस एहतसाब के सारे वक्त गुजारने की कोशिश ना करें, इसे अलहदा रहने दें और एहतसाब वालों को री इन्फोर्स करें, अपना काम जो है लोगों को डिलीवर करके दिखाएं और उन्हें भी कहें, नैब के चेयरमैन को कहें कि जनाब रेफरेंसेस तैयार करके लोगों को प्रॉपरली कन्विक्ट करवाएं और उनसे बरामदगियां करवाएं। ये नहीं है कि आप सिर्फ गुफ्तगू करते रहे और उसका नतीजा क्या हो गया, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये पार्टी और बल्कि पीपल्स पार्टी भी जिन्होंने मुल्क को वाकई बहुत ज्यादा दोनों में लूटा है, कि बिल्कुल ऐसे नहाए धोए हुए साफ होकर लोगों के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दो साल गुजर गए, बाकी तीन सालों में भी कुछ नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आसफ अली जरदारी के खिलाफ 9 साल जेल में रखने के बावजूद बिल आखिर बरी करना पड़ा, चूंकि सारी की सारी कार्रवाई जो थी वो मशकूक हो गई जब शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू उनके साथ दिखाई गई, जजेस के साथ। तो इसी तरह ये सारे का सारा निजाम जो है इसमें इन्हें तो इनकलाबी होने का सबूत देना था। पाकिस्तान, नया पाकिस्तान ऐसे नहीं बन जाता। नए पाकिस्तान के लिए आप अगर क्रेडिट की बात करते हैं तो आप उसको दे सकते थे जब आप हर फर्ती मेरिट पे करते, ट्रांसपेरेंसी शो करते। आपका तो ना मुझे नजर ही नहीं आता कि कहीं ट्रांसपेरेंसी है, कहीं मेरिट पे आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इतनी ना बड़ा बाकी ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। आरिफ साहब, नया पाकिस्तान तो जब बनेगा ना, जिस दिन जजेस से पूछा जाएगा कि उनके पास पैसा कहाँ से आया, जिस दिन जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो आर्मी चीफ हैं, उनसे पूछा जाएगा कि वो कहाँ से पैसा लाएं जो वो बैरून मुल्क जायदादें खरीद रहे हैं। ये बात है, ऐसे एरियाज हैं जहाँ आप टच ही नहीं कर सकते। ये बातें सियासतदानों की हद तक है, जब आप सियासतदानों से परे जाते हैं और तो आपको बिल्कुल आपके पर जलते हैं, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, यानी ये वो मुकाम है जहाँ फरिश्तों के भी पर जलते हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि बातें सिर्फ वक्त गुजार रहा हर एक ने। अब इसके अलावा देखिए ना, इमरान खान साहब कहा करते थे कि जनाब मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के पास सारा इख्तियार हो और प्राइम मिनिस्टर बराए नाम हो। वक्त गुजरने के साथ अब इमरान खान साहब जो है उनका भी हमें ये नजर आता है कि अचानक उन्हें कहा जाता है कि इसको ये रख लो, इसको ये रख लो, ये कर दो, वो आराम से कर देते हैं। इसलिए कि इक्तदार चीज ही ऐसी है,
कि इसके आपने इक्तदार लेना था, उसमें आपने वादे किए और इतने बड़े बड़े वादे किए कि जिसकी अमली तौर पर मुमकिन भी नहीं था। जब इक्तदार में आ गए, हालात आपके भी उनसे कोई बेहतर नहीं है। तो यही वजह जो मैं एग्री करता हूँ नून की जो खातून हमारी दोस्त मोहतरमा जो बात कह रही थी कि आप अगर लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे, लोगों के सामने लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अगर आप उनको रोटी कपड़ा मकान देने में, महंगाई खत्म करने में कोई बहुत कार है नुमाया सर अंजाम देते हैं, तो फिर आप एहतसाब में अगर किसी को पकड़ते हैं तो लोग आपके साथ होते हैं। लेकिन एक बात मैं उनकी एग्री नहीं करता मोहतरमा की, जो वो कहते हैं कि जी लोग आप बहुत ज्यादा यानी इंकलाब के लिए तैयार हैं, आपके लिए लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी भूख के लिए लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि आपके पास उस तरह का ना वर्कर मौजूद है नून के पास जो बाहर मैदान में आकर लोगों को इकट्ठा कर सके। और दूसरी एक बात इनसे भी जरा पूछते चले जाए कि ये कोरोना की जो वबा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आपके पास भी तो मैंडेट है लोगों का, आप भी तो जरा कुछ काम करके दिखाते ना, यानी मतलब है कि अपोजिशन आजू इससे भी तो वोट लिए हैं। दूसरी बड़ी सियासी पार्टी अभी बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मजबूत पार्टी मौजूद है ये नून लीग के रूप में, जिनके लोग है कई सालों से इक्तदार में थे, आपने हमें कुछ नहीं दिखाया। मेरे ख्याल है कनेक्शन का, मैं एक सेकंड फरा के पास से आती हूँ आपकी तरफ। फरा, आप लोगों की जब गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने क्यों जजेस से नहीं पूछा कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है जो जायदादें खरीद रहे हैं? अभी भी साकिब निसार साहब के एग्जांपल हमारे सामने लेटेस्ट, क्यों हमने आर्मी चीफ से आप लोगों ने नहीं पूछा कि कहाँ से वो जायदादें खरीद रहे? सिर्फ जो पॉलिटिशियन थे वही क्यों इज ए टारगेट रहे हमेशा? आप लोगों ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? मैं करती हूँ उस पे बात। आपको याद होगा कि हम पे एक इल्जाम है कि हमने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की, ये आम आम बात है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि टीचर ने जब नहीं सब आवाज नहीं आ रही बंद करके दोबारा ज्वाइन करें हमें। आपका आपकी आवाज क्योंकि बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, शोर भी है, कोई हवा का हवा की भी शोर है। मैं फरा को दोबारा ज्वाइन करा दूं पहले। जी आ गई है फरा हमारे साथ दोबारा। जी जी मुझे जी जी आप बेहतर है। तो हम भी ये इल्जाम होता था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की है और बैकग्राउंड खुदारा कोई किसी को बताता ही नहीं था, उस वक्त से इल्जाम जो है हम पे लगाए जा रहे हैं। बैकग्राउंड कुछ ऐसा ये मंजूर ही यही था कि इस मुल्क में अलिफ से लेकर ये चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, कानून सबके लिए होना चाहिए, एहतसाब सबके लिए होना चाहिए। तो कुछ उन टर्म बात जमी नहीं तो तनाजात अपने कायद के साथ है तो पुलिस के पीछे कर दी जाती है, स्टेट मशीनरी के पीछे कर जाती है, वो अपने आप को बचाता है, इल्जाम दिया जाता है इधर उधर पकड़ धकड़ में जो कि उसका राइट है, तो इल्जाम दिया जाता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चढ़ाई कर दी है। अब तक मुस्लिम लीग को वाहिद जमात मिला है तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। अब मेरी आवाज आ रही है?
जी अब बेहतर है, कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए अपना। जी बोलिए, अब ठीक है? जी अब बेहतर। मैं अर्थ कर रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी इक्तदार में आई है, जब भी अल्लाह ने इसे मौका दिया है, तारीख गवाह है कि हमेशा ऐसे फैसले लिए जिससे वाकई हकीकी मायनों में तब्दीली आ सके और इंकलाब बरपा हो सके। देखें ये जो हुक्मरान होते हैं बहुत आए चले भी गए, आज उनका नाम भी याद नहीं। काम आपको ऐसे करने चाहिए जनाबे वाला जिससे आपकी आने वाली नस्लें जो है मुस्तफीद हो सके। तो एहतसाब की जहां बात होती है, जब चेयरमैन नैब का सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त हमने तीन नाम लिए, वो तीन नाम मेरे साथ यहां मौजूद है, अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो पूछ सकता है। उसके बाद जी एक अर्जी आई कि हम आपके ये तीन नाम नहीं मानते हैं जनाबे वाला, हमारे तीन नाम है थ्रू अपोजिशन लीडर उनके टेबल से फॉरवर्ड हुई। फिर उनमें एक नाम मौजूदा चेयरमैन नैब का था, तो मौजूदा चेयरमैन नैब साहब भी इन्हीं की देन है इस मुल्क को, इन्हीं की देन है अपोजिशन को। और उस वक्त चूंकि हम हुकूमत में थे, हम इनके साथ हर हर पॉइंट सारा करते थे, हमने कभी ये तमाशे नहीं लगाए कि कंटेनरों पे चढ़ जाओ अबे तब करो। हमने इनके साथ जो रवैया अख्तियार किए, कितने बहरान आए, बहरान आते हैं, आप बहरान से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम कभी ये नहीं कहा पीटीआई इस वक्त अपोजिशन में है, पीटीआई क्यों हमारा साथ नहीं दे रही है, पीटीआई क्यों हुकूमत साजी नहीं कर रही है, पीटीआई क्यों ऐसा नहीं कर रही है। अरे इन्होंने तो चीन के सदर तक का जो है वो विजिट इतना नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को, सारा बर्डन हम पे था। हाँ ये मुफ्त ही लेते थे, तो जब अपोजिशन में इनका इतना नेगेटिव रोल था, अल्लाह ने इनको मौका दिया, फिर अब ये कहते हैं कि इमरान खान साफ सुथरे इंसान है। जी ये 23 फॉरन अकाउंट किसके हैं, अलीमा बाजी या इमरान खान साहब के अब्बा जी क्या करते थे क्या किसी को पता नहीं है? पूरा बैकग्राउंड था। अब मैं दोबारा रिपीट करूं, मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उन बातों में पढ़ना ही नहीं चाहती। देखें जो कौम हमेशा पास्ट में रहती है नुकसान में रहती है, पास्ट से सीखें आगे बढ़ें। इस दौर में आप दो लोगों का कुछ नहीं कर सकते, एक जो समंदर के उस पार खड़े हो के आपको गालियां दे और दूसरा जो मुंह पे झूठ बोले। तो पीटीआई का वही अलमिया है कि ये मुंह पे झूठ बोलते हैं। तो आप उठाएं तारीफ, आपको जितनी अमेंडमेंट मिलेगी, आपको जितनी डेवलपमेंट मिलेगी, आज इस मोटरवे पे पेशावर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू कराची, कराची टू कोटा कौन मजे ले रहा है? ये जनाबे वाला आप ही ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो आपने पसे जंदान कर दिया है, हमें तो बस आप इल्जाम राशियों के जो है ना चंपे ही लगाए जाए, इससे आप सब कुछ नहीं होने वाला। आपको इस वक्त इस तरह की बातें करनी चाहिए, हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं, हम ये डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जो पिछली हुकूमतों से जो काम रह गए थे जो उनको करने चाहिए थे, अब हम इख्तदार में हैं, अब हमारा फर्ज है, हमारा ये प्लान है, हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आप इस तरह की बातों से नहीं चुप सकते कि ये चोर हैं तो फिर ऐसा हुआ तो फिर वैसा हुआ, एहतसाब की बात कर रहे हैं इमरान खान से शुरू हो जाए। आप अपने 23 फॉरेन अकाउंट्स, ये जो फॉरेन अकाउंट्स हैं उनकी इंक्वायरी कराएं, हेलीकॉप्टर केस में आप इमरान खान साहब को पीछे कर लेते हैं। इसी इलेक्शन कमीशन से मियां साहब पूरी खून भी आई है जनाबे वाला, मियां साहब वो टैक्स जो इस टैक्स दे चुके हैं आपके, इमरान खान साहब जो इतने साफ सुथरे इंसान है, वो लाख या 1,30,000 ये उनके टैक्स है। कि आप लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो हैरान हो जाते हैं कि इतनी कमाई तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिल गेट्स जैसे लोगों के साथ नहीं है, तो ये लिविंग स्टैंडर्ड उनका कहाँ मेंटेन हो रहा है? तो ये कहाँ की सफाई है? बातों से कुछ नहीं होता, इस सब ताप ताकत में है, ताप जोर में है, इसको भी चोर कहेंगे चलेगा। याद रखें ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त रुकने वाला नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद जब हम सब जाएंगे आप क्या कहेंगे कि 5 साल में ये कहता रहा हूँ कि नवाज शरीफ चोर था, अपोजिशन चोर थी, लेकिन ये आवाम आपकी क्या धुरकट बनाती है? मुझे आपके लिए बड़ा डर लग रहा है, आप अपने फ्यूचर का इंतजाम करें। ये 3 साल तो आप मजीद इसमें निकाल लेंगे, लेकिन जब आप वोट लेने जाएंगे तब आपकी दाल नहीं गलेगी। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सबका कि आप लोग तशरीफ लाए शो में, लेकिन लास्ट वर्ड आरिफ साहब आपकी तरफ से, आप क्या समझते हैं कि कहाँ जा रहे हैं ये गवर्नमेंट? और दूसरा ये कि कोरोना के हवाले से इनका लॉकडाउन जो है वो किस तरह लग रहा है आपको? ये बेशक उठते हैं,
पाकिस्तान में एक मजाक बनता है क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल इसके इस बीमारी को इस तबाह नहीं ले रहे, वो शख्स बराए रास्ते मुतासर नहीं होता, वो यही समझता है की जाए कि भाई आप मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंस करो, वो ये कहते हैं कि किसको हुआ है। हैरान हूं कि हमारे मुखलाफ के अंदर ये सवाल उठाया जाता था कि जी 5,000 से ज्यादा क्या होता है, तो किसी को नहीं हुआ। स्थिति से हमारे कम नौजवान लॉयर वो सफर कर रहे हैं इसी कोरोना की वजह से, अपने अदालतों के अंदर कोरोना हो चुका है। और मैं हार हूँ अभी ये बात गलत फहमियां फैलाई जा रही है, कहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी जा रही है कि जी जितनी ज्यादा नाशे दिखाई जाएंगे इस इतने पैसे मिलेंगे। खुदा के लिए आपके इस प्रोग्राम के जरिए मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाने की बजाय अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को महफूज रखिएगा। देखिए काम के बगैर भी गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन बीमारी के साथ भी आप नहीं चल सकते, और उस बीमारी का इलाज बहस ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने हाथ जो है वो साफ रखें। और हाथ तो खैर साफ रखना एक मुहावरा भी है, हमारे यहाँ तो हाथ कोई साफ रखता नहीं है, लेकिन कम से कम इसे सेरिमोनियली हाथ साफ रखें। जब तक ये मैं आपको अर्ज करूँ कि ये बहुत पहले ये कहा गया था, डॉक्टरों ने कहा था कि खान साहब ये आप कह रहे हैं कि जी हम नहीं कर सकते लॉकडाउन, ये इतनी खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी, इतने लोग मुतासर होंगे कि आपके पास अस्पताल जो है वो कम पड़ जाएंगे। और यही चीज हमें रोज नजर आ रही है कि अस्पताल कम पड़ रहे हैं, लोगों के पास जगह अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम की वसादत से सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अपने आप को बचाइए, महफूज कीजिए, ये पाकिस्तान आपका है, ये मुल्क हमारा सबका है, और इसकी इज्जत इसी में है कि हम साफ सुथरे हाथों के साथ और अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये वक्त मुश्किल का ये निकाल ले, सारे कारोबार चलते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, अगर हम नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने, बहुत ख्याल रखिएगा आप सब। मुझे मौका नहीं दिया है। जी जी अच्छा ठीक है, आप ले लो जी। मैं ये मोहतरमा को कहना चाह रहा था कि कहती है ना कि कंटेनर पे चलना, कंटेनर पे अगर लोग होंगे तो बंदा चढ़ सकता है, नहीं तो खाली कंटेनर पे चढ़ना। दूसरा ये जितने भी केसेस हैं ये लीडरान के जरदारी साहब के खिलाफ या नून लीग के लीडरान के खिलाफ, इसमें से पीटीआई के किसी ने कोई फर्द ने कोई केस नहीं बनाया, चेयरमैन नैब है जो वो भी इन्हीं के दिए हुए हैं, और अब ये खुद ही अपना निजाम बनाया हुआ उसे कतरा रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपका कहना चाह रहा हूँ, आरजू को इतना रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था, मुझे पता है आपका प्रोग्राम बहुत शुक्रिया सर। लेकिन हाँ, लेकिन पोटी साहब अगर आप लोगों को वाकई नया पाकिस्तान लाना है तो आपको जजेस से भी पूछना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से है, और आपको आर्मी चीफ से भी पूछना पड़ेगा जो चले गए हैं, जो फौजी चले गए उनसे पूछेंगे वो कहाँ से ये सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, चाहे उनका अपना पैसा एहतसाब उनका भी होना चाहिए। हो गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, निजाम दुरुस्त हो गया सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान की कोशिश है कि निजाम को निजाम बनाए, सर हिम्मत दिखाए जरा पॉलिटिशियन से ऊपर, इंशाल्लाह हिम्मत है, हिम्मत है, अगर हुकूमत इमरान खान ने ले ली है तो इंशाल्लाह निजाम भी दुरुस्त हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, और इंशाल्लाह सब चीजें बेहतर होंगी और आप सब लोगों के मुफाद में होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।